वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये एस पेन क्या है, ये काम कैसा करता है। हम पूरे वीडियो में के अंदर जानेंगे कि एस पेन के अंदर इस साल हमको क्या क्या अपग्रेड मिला, कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज हम कर पाएंगे इस एस पेन के साथ। सो दिस इज विपुल, आप देख रहे हैं सरफेस टेक, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैमसंग की जो एस पेन है वो काफी सालों से पॉपुलर है क्रिएटिंग स्टफ करने के लिए। इसका मतलब चाहे हमको मोबाइल के अंदर कुछ ड्राइंग करना हो या तो हमको मोबाइल के अंदर हैंड राइटिंग करनी हो, लेकिन इस साल सैमसंग ने काफी अच्छे अपडेट्स लाए हैं एस पेन के साथ, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल। तो इन दोनों का मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैमरा को कैसे कंट्रोल करना है। आप एस पेन के थ्रू मोबाइल को टच किए बिना ही पूरे पूरे कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको कैमरा ओपन करने के लिए सिंपली एस पेन का जो बटन है उसको होल्ड करके रखना है और हमारा कैमरा हो जाएगा ओपन। उसके बाद नीचे जो हमारे मोड होते हैं, जैसे कि लाइव फोकस है, फोटो है, वीडियो है, पैनारोमा है, ऐसे अलग अलग होता है, उसमें से हमको स्विच करना हो तो सिंपली हमको करना है एस पेन के बटन को प्रेस, फिर लेफ्ट या राइट। ऐसे हम जैसे कि मूव करेंगे तुरंत ही हमारा मोड हो जाएगा स्विच, जैसे कि फोटो में से वीडियो, वीडियो में से फोटो। उसके बाद एस पेन के एक बटन को प्रेस करेंगे तुरंत ही हमारा कैमरा हो जाएगा स्टार्ट, मतलब वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। या तो हमको फोटो कैप्चर करना हो तो भी हम आसानी से बटन को प्रेस करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी तरह कैमरा के अंदर काफी अच्छा हमको सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात, अगर हमको फ्रंट कैमरा में से रियर कैमरा या तो रियर कैमरा में से फ्रंट कैमरा में हमको लाना हो तो भी हम इसे सिंपली कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, मोबाइल जो एस पेन है उसको बटन को प्रेस करना है और सिंपली स्वाइप अप करना है, मतलब ऊपर की तरफ हमको मूव करना है, तो तुरंत ही हमारा फ्रंट में से रियर में स्विच हो जाएगा कैमरा। और दूसरी बात, इसके अंदर हमको जो मोड होता है, जैसे कि बोके मोड होता है, वाइड एंगल होता है, उसमें से हमको चेंज करना हो तो हमको क्या करना है, एस पेन को क्लिक करना है, मतलब बटन को टच करना है और हमको राउंड करना है या तो इस बाजू कर सकते हैं, दोनों में से किसी बाजू भी करेंगे तो हमारा एक मोड स्विच हो जाएगा। इन शॉर्ट इस एस पेन की मदद से आप आपके मोबाइल को बिना टच किए आप वीडियोस भी शूट कर सकते हो और फोटोज भी शूट कर सकते हो, आपको जिस कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन में। दूसरी इस एस पेन की खासियत की मैं बात करूं तो सैमसंग ने पार्टनरशिप की है यूट्यूब के साथ, जिसके अंदर यूट्यूब प्रीमियम अगर हम यूज करते हैं नॉट 10 या नॉट 10 प्लस के अंदर तो हमको मिल जाएगा इस पेन का कंट्रोल। इसका मतलब यूट्यूब के अंदर जो भी हमारे वीडियोस हैं वो हम प्ले, पॉज और स्किप कर पाएंगे, प्लस में नेक्स्ट कर पाएंगे, प्रीवियस कर पाएंगे और वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे। और पूरे मोबाइल के अंदर हमको अगर वॉल्यूम कंट्रोल करना हो तो सिंपली बटन को प्रेस करके हम ऐसे जैसे ऊपर करेंगे वैसे आवाज इंक्रीज होगी, जैसे डाउन करेंगे वैसे आवाज डिक्रीज होगी। और सैमसंग ने ऐसा भी बोला है इस मोबाइल के लिए, मतलब एस पेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है और गूगल प्ले पे अपलोड कर सकता है, मतलब उसकी जो SDK है वो कोई भी बना सकता है। तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में नॉट 10 अगर आप परचेस करोगे, नया नॉट 10 प्लस आप परचेस करोगे तो आपको काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएगी जो आप मोबाइल को रिमोटली कंट्रोल कर पाओगे आपके एस पेन के थ्रू। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो एस पेन के फीचर्स के बारे में। मैंने सैमसंग गैलेक्सी नॉट 10 और नॉट 10 प्लस जो अभी रिलीज हुआ उसके बारे में भी ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और भी इसके जो डिवाइसेस हैं उसका भी वीडियो की आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो और जानकारी के लिए सैमसंग के लिए नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए। सो मैं हूँ विपुल, आप देख रहे सरफेस टेक, टिल देन बाय।